पिछले क्लास में हमने अपना घर का प्रश्न उत्तर 10 पूरे लिख दिए थे। अभी जो है कि अगला जो है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, यहाँ पे पहला जो है कुछ ही दिन में चूचू और चीनी के सुंदर सुंदर डैश उग गए। तो यहाँ पे क्या लिखा है, मैं सिर्फ यहाँ पे उत्तर लिखते जाऊँगी। आपको क्लास वर्क में कैसे लिखना है, पहले प्रश्न लिखना है। कुछ दिन में चूचू और चीनी के सुंदर सुंदर पंख उग गए। तो ठीक है, मैं यहाँ पे सिर्फ उत्तर लिखती हूँ। पहला जो उत्तर है वह है कुछ ही दिन में चूचू और चिमी के सुंदर सुंदर पंख उग गए। तो उत्तर है यहाँ पे पंख, खाली रिक्त स्थान में भरना है पंख। ठीक है, दूसरा जो है यहाँ पे, तुम अभी बहुत छोटे हो, दूसरे पक्षी तुम्हें मारकर खा जाएंगे। क्या करके खाए जाएंगे, मार कर खा जाएंगे। ठीक है, तीसरा वाला जो है यहाँ पे, सारा दिन वे ठैश और ठैश पर उड़ान भरते रहे। तो उत्तर क्या है यहाँ पे, सारा दिन उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम पर उड़ान भरते रहे। तो उत्तर क्या है, मैं यहाँ पे लिखती हूँ, देखिए, उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम। ठीक है, तो चौथा वाला जो है, क्यों ना इन बच्चों से ढैश कर ली जाए, जब वो दोनों बच्चे चीची और चिमी उड़ रहे थे, तब जाके नए घोंसलों में देखा तो किसके साथ वो वार्तालाप करके किसके साथ रहना चाहते थे और किसकी फ्रेंड बनना चाहते थे। इसकी क्योंकि उन बच्चों ने सोचा कि जो दूसरे पक्षियों के बच्चे जो है उनके साथ मित्रता कर ली जाए। तो यहाँ पे उत्तर क्या है, क्यों ना इन बच्चों से मित्रता कर ली जाए, मित्रता। ठीक है, पांचवा वाला जो है, अपने घर लौटने पर तो माँ की ढैंस सुननी पड़ेगी। चीची और चिमी सोचते हैं कि हम इतने देर तक उड़ते रहे और अभी खदेर के बाद घर गए तो माँ हमें डांट देगी। तो यहाँ पे उन्होंने क्या किया कि यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स की जगह पे क्या करना है, डांट करके बनाना है। तो यहाँ पे है डांट। अरे तुम, जो छठा वाला है, अरे तुम लोग इनमें कैसे रहते हो, तुम्हें ढैश नहीं चुभते। जो चील था उसके उसका घर किससे भरा हुआ था, कांटों से भरा हुआ था। तो यहाँ पे क्या है उत्तर, कांटे उनको चुभते नहीं है। क्या करती, वो कौन पूछ रहा था, चूचू और चीनी पूछ रहे थे। ठीक है,
इसके बाद क्या है, चूचू और चिमी ढैश के अंदर चले गए। किसके अंदर चले गए, जो उन्होंने एक एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर और एक ढाली से दूसरे ढाली पर उड़ते थे, और जैसे ही उन्होंने दो छोटे छोटे तोते को देखा तो तोते के पास गए। और तोते कहाँ रहते थे, तोते पेड़ के कोटर में रहते थे, तो वहाँ कोटर के अंदर बुलाने, तोते जब चूचू और चिमी को बुलाते हैं तब वो दोनों अंदर जाते हैं कोटर के अंदर। सातवां वाला जो है वो है कोटर, ठीक है, ये हो गया सातवा। अभी जो है आठवा, उस छोटी सी बंद कोटर में वे ढैश ढैश ढैश, वो छोटी सी कटोर में उनका दम घुट रहा था, वो घबरा गए। उत्तर है घबरा गए, छोटी सी कटोर में उनकी दम उनका दम घुट रहा था तो वो घबरा गए। नौवा, घोंसले में बैठी चीची काफी देर तक उनका ढैश कर रही थी, ऑब्वियसली इंतजार कर रही थी। इंतजार कर रही थी। दस नंबर, अपना घर कैसे भी वो क्यों ना हो, वही बहुत प्यारा होता है। अपना घर कैसे भी हो और कहीं भी हो, वहाँ बहुत ही प्यारा होता है। ठीक है, यहाँ हो गया रिक्त स्थानों की पूर्ति। और जो है अगला प्रश्न जो है वो है, सही कथन चुनकर सही का चिन्ह लगाए। पहला वाला जो है वो है, चीची चिड़िया ने अमरूद के पेड़ पर घोंसला बनाया था। क्या यही सही है, चीची ने आम के पेड़ पर घर बनाया था, तो यहाँ पे अमरूद है, तो कौन सा सही है, अमरूद के पेड़ पर घर बनाया था, नहीं यहाँ गलत है, तो पहला वाला जो है वहाँ गलत है। सही कथन पर सही कथन चुनकर सही का चिन्ह लगाए, तो पहला वाला जो है वो है गलत। दूसरा वाला, उनसे बच्चों का नाम सॉरी उसने बच्चों का नाम चीची और चिमी रखा। यहाँ सही है, यस, बच्चों का नाम चूचू और चिमी रखा, ठीक है। अगले दिन वो माँ से बोले, मम्मी हम तो तुम्हारे साथ उड़ने चलेंगे। ऐसा ही कहा था, बच्चे उड़ना चाहते थे, लेकिन दूसरे ही दिन अपने माँ के साथ उड़ने के लिए पूछा तो माँ ने क्या कहा, मना किया। तो क्या यही बात सही है, सही। चौथा, बच्चों ने सोचा ऐसी सुंदर दुनिया छोड़कर वे अपने घोंसलों में लौट जाए। वो सुंदर ऐसी सुंदर दुनिया छोड़कर वो अपने घोंसले में वापस नहीं जाना था चाहते थे, तो यहाँ पे क्या आता है, यहाँ गलत है, वो घर नहीं जाना चाहते थे। पांचवा, चिंयू के बच्चों ने उन्हें घोंसले में बुलाया। चिंयू के बच्चों ने घोंसले में बुलाया, चिंयू के बच्चों का घोंसला कांटों से भरा हुआ था, उन्हें अंदर बुलाया अंदर, क्योंकि चिंयू को घोंसला कांटे से बंधा था, वहाँ पैक नहीं था, वो ओपन ही था, तो यहाँ पे क्या है, चिंयू के बच्चों ने उन्हें घोंसले में बुलाया, घोंसले में नहीं बुलाया, घोंसला ही ओपन था, तो उसने
घोंसले में उनको बुलाया। छठा, टेटे के कोटर में उन्हें बहुत आनंद आया। टेटे के कोटर में उन्हें बहुत आनंद आया, नहीं, उनका दम घुट रहा था। तो यहाँ बात सही है, नहीं गलत। ये हो गए सही कथन पर चुनकर सही चिन्ह लगाना। आज इतना ही सीखेंगे। अगले क्लास में हम सीखेंगे ये वाक्य किसने किससे कहा था और क्यों कहा था, इसके बारे में हम अगले क्लास में जानेंगे। तब तक के लिए आपको क्या करना है, जो मैंने अभी सिखाया रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए और सही कथन पर चुनकर सही चिन्ह लगाइए। ये आपके अपने क्लास वर्क में उतारना है और अपने टेक्स्ट बुक में भी लिखना है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगले क्लास में हम किसने किससे कहा सीखेंगे। ठीक है, धन्यवाद।